नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम शुभ लाभ में, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। जी हाँ, शुभ लाभ का त्यौहार आ गया है, यानी कि दीपावली का त्यौहार आ गया है, और ऐसे में हम भी मौजूद हैं आज आपको ये बताने के लिए कि आप अपने इस दिवाली को कैसे शुभ बना सकते हैं, क्या कुछ ऐसा करें जिससे आपके जीवन में सिर्फ लाभ ही लाभ हो सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए और आपकी दिवाली को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश देश की जानो मानी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर अलंकृता मानवी जी। तो चलिए सबसे पहले अलंकृता जी का स्वागत करेंगे, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, नमस्कार। तमसोर माँ ज्योतिर्गमया, दीप पर पे मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अपने तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने शुभ दीपावली एपिसोड का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी बिल्कुल, और यही शुभ मंगल कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी दर्शकों जानते हैं कि इस कार्यक्रम का नाम है शुभ लाभ, तो आज अलंकृता जी से जानने की कोशिश करेंगे कि दिवाली आपके लिए क्या कुछ शुभ घड़ी लेके आई है, कैसा आज का जो दिन है वो आपका रहने वाला है, ये दिवाली पे आप क्या करें क्या ना करें, कैसे लाभ की प्राप्ति करें। पर चर्चाएं तो बहुत सारी होंगी अलंकृता जी, पर हमेशा की तरह आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो अंक नंबर होता है 1 से 9 अंक नंबर जो होता है जिन जिन जातकों का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पर शुरुआत में ये आपसे जानना चाहते हैं कि दिवाली त्यौहार के बारे में आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग इस दिवाली पर्व को सेलिब्रेट करें, कैसे खास बनाएं। जी पूजा, आपका तो नाम ही पूजा है। तो कहते हैं कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे गुरु लोग सब कहते हैं कि अंधकार को मिटाना, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये अंधकार कौन सा अंधकार है। बाहर का अंधेरा तो दोस्तों मिट जाता है दियों से, मोमबत्ती से, और घर में आज बल्ब लाइट सब लगाते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने मन के अंधकार को मिटाने की, अपने मन में जो है उजियारा करने की। तो हम कैसे इस दिवाली अपने मन में उजियारा करें, कैसे जो है अपने इंटरनल सेल्फ को जो है लाइट अप करें, अपने मूड को बेहतर करें, क्योंकि वो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो कहते हैं कि आपस में हम बहुत कुछ बांटते हैं, लेकिन इस दिवाली जो है वो प्यार बांटिए, इज्जत बांटिए, एक दूसरे को समय दीजिए, अपनों को जो है वो समय देना जो है वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा इस दिवाली। तो वैसे तो दिवाली पे हम सब मिलते हैं, छुट्टी होती है, लेकिन आजकल जो है वो सभी लोग जो है अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही मस्त हो गए हैं, लेकिन ये दिवाली अपने अपनों को समय दीजिए और खुद को समय दीजिए और अपने मन में उजाला कीजिए। जी बहुत सही आपने बात कही कि इस दिवाली आप खुद को समय दीजिए, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताइए, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अंधकार में दीप का पर्व है दीपावली। तो इस दिवाली में आप क्या करें क्या ना करें इस पर चर्चा करेंगे, पर अंकों की बात कही थी तो अलंकृता जी सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जिन भी लोगों का 1 अंक नंबर है उनका इस दिवाली में क्या कुछ कनेक्शन है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दिवाली। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि दिवाली में सबसे खास होता है कि क्या हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, क्या हमारे घर से जो हमारे फिनेंसिस को लेके हम सभी परेशान होते हैं, जुगाड़ तुगाड़ करते रहते हैं, तो इस बार क्या लक्ष्मी हम पे मेहरबान होगी। देखते हैं आपके सितारे क्या कहते हैं। इस वक्त टायरो कार्ड्स है मेरे पास जो कि बहुत कुछ बयान करते हैं। तो यानी कि 1 अंक के जातक, जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 1, बहुत ही स्ट्रांग नंबर होता है। आइए देखते हैं 1 अंक के जातकों कैसी रहेगी दिवाली और क्या लक्ष्मी जी होंगी उन पे मेहरबान, या फिर क्या लिखा हुआ है उनकी किस्मत में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। देखते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे। दिवाली यानी कि लक्ष्मी का त्यौहार और बिजनेस का त्यौहार, इंटरकनेक्टिविटी कार्ड आया। जितना ज़्यादा इस दिवाली आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, नए बिजनेस कनेक्शंस बनाएंगे, बाहर निकलेंगे, उतना आपको लाभ पहुंचेगा, और कहीं से कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा, हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है कोई ऐसा आपको मिले जो आपको धन अर्जन करने का तरीका बता दे, या कहीं से आपको आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई सगा संबंधी ही आपको धन लाभ अवश्य पहुँचाएगा इस दिवाली, अकॉर्डिंग टू माई टायरो। जी बिल्कुल, तो
जो भी यहाँ पे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, तो जिनका भी एक नंबर है उनकी दिवाली कैसे रहने वाली है। पर वही बात किए जाए अंक नंबर दो की, तो चलिए अलंकृता जी वो भी जान लेते हैं कि जिनका अंक नंबर टू है यानी कि दो है, उनका इस बार दिवाली में क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए दिवाली पे हम सभी जो है अपने घर की सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं, उसी तरह से नई शुरुआत सब चाहते हैं, व्यापार में, धन में, धन आगमन हो, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। आइए देखते हैं लेकिन दो नंबर के अंक का की कैसी रहेगी दिवाली और क्या लिखा हुआ है इनकी किस्मत में। टायरों बताएं क्या इन्हें धन लाभ होगा या फिर क्या रहेगा इनका दिवाली में। अंक दो वाले लोग जिनका जन्म 2 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 11 तारीख को आए, आइए देखते हैं उनके सितारे क्या कहते हैं। टायरों बताएं दिवाली कैसी रहेगी दो अंक वालों की। तो ये कार्ड उठाए हैं दिवाली यानी कि पार्टनरशिप जो लोग कर रहे हैं, पार्टनरशिप के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी और बहुत सक्सेसफुल रहेगी और कुल मिला के धन अर्जन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन ज़्यादा धन लाभ हो इसके साथ साथ आप जो है वो बैठी हुई लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी की पूजा अर्चना करना ना भूलेगा तो आप देखेंगे लक्ष्मी जी आप पे मेहरबान रहेंगी पूरा साल इस दिवाली। जी जी बिल्कुल। तो ये दिवाली को आप कैसे खास बना सकते हैं, कैसे स्पेशल बना सकते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ ये भी आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जिन भी जातकों का अंक नंबर बनता है उनके हिसाब से उनकी दिवाली कैसे रहने वाली है। और बात करें अंक नंबर 3 की तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जी 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 देखते हैं 3 अंक वाले जातक जिनका जन्म 3 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 21 तारीख को हुआ है दोस्तों उनका अंक बनता है अंक 3। आइए देखते हैं अंक 3 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कैसी रहेगी उनकी दिवाली और क्या कहते हैं उनके सितारे। ये रहे उनके सितारे, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आप धन को लेके डरे, शुरुआती तौर पे डरेंगे, परेशान होंगे और फिनेंसेस जो हैं वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होंगे, बस आपके एक्सपेंसेस मीट होंगे लेकिन 3 महीने बाद बहुत अच्छा समय आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। इतना धन लाभ होगा, धन, वैभव और नया व्यापार, उसके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि लक्ष्मी जी आप पे इतना मेहरबान कैसे हो गई। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिवाली पीले पुष्प और पीले लड्डू जो है जरूरतमंदों को जरूर दान करें, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। जी अलंकृता जी आपने ये तो बता दिया कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, पर बहुत सारे लोग हैं दर्शकों जो धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके पास या तो धन नहीं टिकता, धन की कमी किसी भी प्रकार से आ जाती है, तो जिनके पास धन की कमी है उनके लिए कुछ एक छोटा सा उपाय। हाँ तो पूजा बहुत अच्छा सवाल है, कौन नहीं चाहता कि घर में लक्ष्मी जी हमेशा मेहरबान रहें और धन धान्य की कमी ना हो। हर घर में मैं चाहती हूँ कि धन धान्य की किसी घर में कमी ना हो, तो इस दिवाली पे एक छोटा सा उपाय मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी। बैठी हुई लक्ष्मी जी, बैठे हुए कुबेर जी को लाल वस्त्र के ऊपर सजाएं। जब आप दिवाली की पूजा अर्चना करें उस समय पे एक इंटेंशन यानी कि एक सफ़ेद कागज़ पे 21 बार ये लिख कर छोड़ दें कि मैं पूरे महीने मुझे इतना धन अर्जन हो रहा है, जितना आपको लगता है कि आपको होना चाहिए उतना आप 21 बार लिख कर उसके नीचे एक चांदी के सिक्के को ऊपर रख के उस इंटेंशन को लिख छोड़ें तो आप देखेंगे उससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और घर में कोई भी एंट्रेंस पे, खासकर जो एंट्रेंस होती है घर की, उस पे कोई भी रुकावट की चीज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम एंट्रेंस नीट, क्लीन, क्लियर होनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी का आगमन जब हो तो वो बिल्कुल पीसफुली हो, कोई भी हिंड्रेंस ना हो। और घर की वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं पूजा, जैसे आप घर में किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो अपना घर सजाते हैं, तो यहाँ तो आप लक्ष्मी माँ को इनवाइट कर रहे हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाए। जैसे जिस भी घर में जो है वो सदैव घी का दीपक, अखंड दीपक जगता रहता है, अच्छी सुगंध होती है, अच्छी सजावट होती है, साफ सुथरा घर होता है, वहाँ पे वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, अच्छी ऊर्जाएं आ जाती हैं, तो इस दिवाली पे भी कम से कम जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को अपने घर पे रखिए, जिन चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को कर दें, ज़रूरतमंदों को दान। बहुत समय से आजकल देखा गया बहुत सारी चीज़ें हैं, पुराना म्यूज़िक सिस्टम या पुरानी जो चीज़ें अब हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं फिर भी हम रखते हैं कि कभी काम आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जो चीज़ें आपको लगता है अब काम में नहीं आ रही, हो सकता है वो किसी और के, ज़रूरतमंद के काम आ जाएं, तो उन्हें इस दिवाली दान कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए। दान करने से भी आपकी वाइब्रेशंस इंप्रूव होती हैं क्योंकि आपकी ओल्ड एनर्जीज जो हैं
वो रेन्यू हो जाते हैं न्यू एनर्जीज जी। बिल्कुल अलंकृता जी, और कई बार ये भी देखा जाता है कि हमें पुरानी चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, पर अलंकृता जी ने आपको जो भी बताया है वो आप करें, और उम्मीद यही करते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए और इस बार की दिवाली आपकी बहुत ज्यादा खास हो, बहुत ज्यादा शुभ हो। बात करें अंक नंबर 4 की अलंकृता जी, तो उनका दिन कैसा रहने वाला है? जी, अंक 4 यूरेनस रूल नंबर है। जो लोग 4 तारीख को, 22 तारीख को या फिर जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 4। देखते हैं अंक 4 की दिवाली कैसी रहेगी, क्या लिखा हुआ है उनकी किस्मत में। टायरों बताएं अंक 4 को, क्या लक्ष्मी मेहरबान होगी इन पर और क्या उन्हें फिनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, या फिर क्या कहते हैं उनके सितारे। बहुत समय से आपने धन को समेटा हुआ ये कार्ड ये दर्शा रहा है, थोड़ा सा दान पुण्य करें तो आपको लाभ पहुँचेगा इस दिवाली, और जितना आप देंगे, कहते हैं जितना हम देते हैं उतना हमें वापस भी मिलता है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो जितना आप इस दिवाली मन खोल के गिफ्ट्स देंगे, डोनेट करेंगे, उतने आपके पास आ भी जाएंगे, तो चिंता मत करिए। और बहुत समय से अगर आप कष्ट में हैं, परेशान हैं, तो लक्ष्मी की उपासना और किसी भी देवी की उपासना आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इस दिवाली के बाद आपकी किस्मत जो है धन लाभ और बेहतरी की ओर जाएगी, अकॉर्डिंग टू माई टैरो। बिल्कुल, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, आपके जीवन में धन की जो भी समस्या है वो बिल्कुल भी ना हो। यदि थोड़ी बहुत समस्या भी है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उन उपायों को आप करें, और उम्मीद यही करते हैं कि आपकी इस बार की दिवाली बहुत खास और बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अलंकृता जी, बात करें अंक नंबर 5 की, तो उनका दिन कितना स्पेशल होने वाला है? जी जी, अंक 5 मरकरी रूल नंबर है ये। जो लोग 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर जिनका जन्म 23 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 5। आइए देखते हैं अंक 5 वालों की किस्मत कैसी रहेगी इस दिवाली और क्या लक्ष्मी माँ उन पे अपनी कृपा दृष्टि दिखाएंगी, या फिर क्या कहते हैं इनके सितारे। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है 5 अंक वाले जातकों की किस्मत में। देखिए, क्रिएटिविटी से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनको फायदा पहुंचेगा, धन लाभ होगा, और लक्ष्मी जी कमल के साथ हैं स्वयं। बहुत समय से अगर आप किसी ड्रीम को अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड रहेगा आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है ये पूरा साल आपके लिए, अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन। जी जी बिल्कुल, तो लगातार हम अंकों पे चर्चा कर रहे हैं, और यदि आपका नंबर 6 है, यदि आपका अंक 6 है, तो चलिए अलंकृता जी से ये भी जान लेते हैं कि 6 अंक वालों का इस बार क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। जी, अंक 6 यानी कि वीनस रूल नंबर है। जो लोग 6 तारीख को या फिर जिनका जन्म 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उन जातकों का अंक बनता है अंक 6। अंक 6 वाले लोग जो हैं बहुत ही रोमांटिक और क्रिएटिव होते हैं। पूजा, आइए देखते हैं इन दिवाली इनकी कैसी रहेगी और क्या इन पे लक्ष्मी जी मेहरबान होंगी या फिर नहीं। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 6 की किस्मत में इस दिवाली पे, कैसा रहेगी उनकी दिवाली, क्या शुभ लाभ होगा। पार्टनरशिप बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, थोड़ा सा आपको सेहत का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, सेहत की वजह से आप काम पे नहीं जा पाए तो आप को धन हानि हो सकती है, तो इसके लिए आप ब्लैक टर्मिनल, इस तरह से एक ब्लैक टर्मिनल आता है, इसको पहले से ही अपने बेडरूम में रख लें और सॉल्ट बाथ लें, नमक रॉक सॉल्ट जो आता है उसको बाल्टी में डाल के या फिर शावर उससे आप लेंगे तो नेगेटिविटी दूर होगी। और इस दिवाली अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से ही बीमारी से बच के रहें, तो ये जो मैंने आपको बताया, आप सुबह उठ के इस तरह से आप अपनी ऊर्जा पे, जिस भी मंत्र को आप बिलीव करते हैं या महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं, अपने आप को अर्ली इन द मॉर्निंग आप प्रोटेक्शन में डाल लीजिएगा और कहिएगा मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा 3 बार कह के संकल्प लेके अपने घर से निकलिएगा तो आप देखेंगे कि आपको फायदा पहुंचेगा और अगर बीमारी आनी भी होगी तो टल जाएगी। जी बिल्कुल, तो हम यही चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान कि आप इस बार की दिवाली को कैसे शुभ लाभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप, तो कैसे आप उसमें सुधार ला सकते हैं, इस पे ही चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बता रहे हैं कि अंकों के हिसाब से आपकी दिवाली इस बार किस तरीके से बीतने वाली है। चर्चा कर लेते हैं अंक नंबर 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंक 7 यानी कि 7 अंक के जातक, जो लोग 7 तारीख को या फिर जिनका जन्म 25 तारीख को या फिर 16 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 7। नेपच्यून रूल नंबर है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और सेंसिटिव होते हैं अंक 7 वाले लोग, इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी होती है इनकी। आइए देखते हैं दिवाली इनकी कैसी रहेगी और कैसे रहेगा इनका ये पूरा साल, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसिस, इन टर्म्स ऑफ अर्थव्यवस्था, और लक्ष्मी जी इन पर मेहरबान होंगी या फिर नहीं।
ट्रैवल से आपको धन का फायदा पहुंच सकता है। बहुत समय से कोई डिसीजन अगर आपका रुका हुआ है तो वो डिसीजन ले लें तुरंत। जॉब चेंज करने का डिसीजन हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन हो तो तुरंत उसे ले डालें, क्योंकि इस समय आपके लिए लक्ष्मी जी खुद इंतजार कर रही हैं। आप जो भी नया काम करेंगे आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड। जी बिल्कुल अलंकृता जी, कहा यह भी जाता है कि इन दिनों लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है, तो चलिए जल्दी जल्दी अंक 8 वालों के बारे में भी जान लेते हैं। जी पूजा, जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को या फिर 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है उनका अंक बनता है अंक 8। बहुत ही ज़्यादा सैटर्न रूल नंबर होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां ये लोग पहुंचते हैं ऊंचाइयों पे, लेकिन मीडियोकर पाथ नहीं होता या फिर बिल्कुल ही संत हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे इन टर्म्स ऑफ दिवाली, कैसी रहेगी इनकी दिवाली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड मनी। लेट्स सी क्या कहते हैं अंक 8 के सितारे। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 8 की किस्मत में इस दिवाली, कैसी रहेगी इनकी दिवाली। और देखिए, भ्रमण करने से, बाहर निकलने से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन में रहेंगे लोगों से और जितना ज़्यादा आप बहुत समय से कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आप जो काम आप बहुत टाइम से प्लान करें उसे कर डालिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, ये सोच के जो काम आपने कल पे डाला हुआ है उसे आज ही कर डालें, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। और बैठी हुई लक्ष्मी जी, बैठे हुए कुबेर जी के आगे कुछ चांदी के सिक्के लाल कपड़े में लपेट के रख दें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ और वैभव पहुंचने वाला है इस पूरी दिवाली। कहीं कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव पर्सन से अगर आप मिलते हैं तो अपना आपा मत खोइएगा, अपने पेशेंस मत खोइएगा, उससे बहुत टैक्टफुली और डिप्लोमेटिकली डील करिएगा तो भी आपको धन लाभ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना नुकसान कर बैठते हैं गुस्से में आके, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जी बिल्कुल, तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा दिन आपका बीतने वाला है, आपके अंक के हिसाब से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। पर आखिरी अंक यानी कि 9 अंक के बारे में भी जान लेते हैं कि उनकी दिवाली कैसी होने वाली है। जी पूजा, अंक 9 यानी कि जिन जातकों का जन्म 9 तारीख को या 27 तारीख को या फिर 18 तारीख को हुआ है उनका अंक बनता है अंक 9। मार्स रूल नंबर है, बहुत ही अग्रेसिव और बहुत डिटरमिंड होते हैं अंक 9 वाले लोग। आइए देखते हैं उनकी ये दिवाली कैसी रहने वाली है और कैसे उन पे लक्ष्मी जी हो जाएंगी मेहरबान। आइए देखते हैं उनके सितारे क्या कहते हैं। टायरो बताएं अंक 9 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हियर वी गो। थोड़े से फियरफुल हैं आप, फियरफुल विजन ना रखें और काम को लेके बहुत ज़्यादा बर्डनड महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं आप, थोड़ा सा ईजी हो जाएं। जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे उतनी ज़्यादा लक्ष्मी माँ भी आप पे मेहरबान होंगी, तो बर्डन बिल्कुल ना लें। साल का शुरुआती दौर हो सकता है मुश्किल रहे, लेकिन बाद में जो है आपके लिए तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हर तरह का सक्सेस और हर तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप पे मेहरबान होंगी और लक्ष्मी जी भी आप पे मेहरबान जरूर होंगी। जी बिल्कुल, तो अलंकृता जी से ये तो हमने जाना कि अंकों के हिसाब से आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, पर कहीं ना कहीं दर्शकों वास्तु का भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी अलंकृता जी, दिवाली के मौके पर लोग घर की सफाई करते हैं और घरों पे कहां क्या रखा जाए उसका भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो इस दिवाली पे अपने घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं अपनी किस्मत बदलने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे पर, और अगर आप चाहते हैं कि आप पे लक्ष्मी जी मेहरबान रहें, आपके घर में एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो जो आपका पूजा का केंद्र होता है दोस्तों वो होता है नॉर्थ ईस्ट, तो हो सकता है आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट पे ना हो, तो जो भी आप पूजन जब भी दिवाली पूजन करें तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉम्पस से आप चेक कर लीजिए कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कौन सा कोना पड़ रहा है, वहाँ पर आप अपना पूजा का स्थल बनाइएगा। और इस दिवाली पर सबसे बड़ी टिप मैं यही देती हूँ कि आप एक तो अपने अंतर मन को उजागर करने के लिए, अपने घर अगर आपका वाइब्रेंट होता है उसका असर भी हमारे अंतर मन पे बहुत पड़ता है, तो इस दिवाली आप कुछ प्लांटर्स लगाइए, कुछ प्लांट्स अपने घर में लेकर आइए, अपने लिविंग रूम को जो है वो बजाय कि किसी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आप प्लांट्स का यूज़ करिए। प्लांट्स जो हैं लिविंग एनर्जी होते हैं तो बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी देते हैं, या फिश एक्वेरियम हो गया, प्लांट्स हो गए, या बहता हुआ झरना हो गया, तो वो बहुत लाभकारी होता है लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए।
एंट्रेंस को बहुत ब्यूटिफाई करिए, बहुत सुंदर सा सजाइए, कोई रुकावट ना हो एंट्रेंस पे। काले डोरमैट की जगह आप लाल डोरमैट का प्रयोग करें, क्योंकि वो शनि के असर को ख़त्म करता है। घर के बाहर जो है वो आप गणेश जी और ग्रीन एमरल्ड के गणेश जी आप रख सकते हैं। मत्स्य यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और घर में जब आप दिवाली पूजन करें तो देखिएगा कि बैठी हुई लक्ष्मी जी हों और बैठे हुए कुबेर जी हों, तो उससे लक्ष्मी जो है वो टिकती है। जो खासकर आपकी तिजोरी है, यानी कि जहां आप अपना पैसे रखते हैं, तो जिस बॉक्स में आप उसे रखें, तो देखिएगा कि वो बॉक्स जो है उसके अंदर मिरर हो, तो मिरर के इफेक्ट से वो उसमें भी इंक्रीज आता है। उस बॉक्स के अंदर एक मिरर लगा दें तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं। और घर में पुरानी चीज़ें बिल्कुल मत रखिए, क्लटर से भी जो है ऊर्जाएँ जो हैं वो स्ट्रक हो जाती हैं। जितना घर स्पेशियस होगा, जितना घर साफ होगा, जितने घर में विंडोज़ और एयर होगी, फ्रेश एयर होगी, उतना जो है घर वो बेहतर होगा। और साथ में आप इन क्रिस्टल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल क्रिस्टल्स हैं जो आपको सी से मिलते हैं, और इनको आप अपने घर को ब्यूटिफाई करने के लिए रख सकते हैं। आप पिरामिड्स का यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव ऊर्जा को न्यूट्रल करने के लिए। अपने घर में लिविंग रूम में आप ये पिरामिड जो है ऐसे अलाइन करके आप जब इसे प्लेस करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है न्यूट्रल करती हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि घर में प्लांटर्स आप लगा सकते हैं। घर में आप श्री यंत्र का प्रयोग करिए। दिवाली के दिन श्री यंत्र जहाँ आप पूजा करेंगे उसके ऊपर श्री यंत्र का लगाइए। अखंड ज्योत जो है पूरे घर में, पूरे दिन अगर आप दिवाली वाले दिन जगा के रखते हैं तो उसका भी बहुत फ़ायदा पहुँचता है। बाकी प्रेम और सद्भाव के साथ, अपनों के साथ समय अपनों को दीजिए। और अपने मन में जब आपकी खुशी होगी तो आप जैसा आपका मन होता है वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ऊर्जा भी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो सब में बड़ी बात यह है कि सुपरफिशियल चीज़ें तो हम कर लेते हैं, इंटरनली अपने मन, अंतर मन को उजागर करिए और मन से खुश रहिए और मन से जो है वो प्रेम भाव बांटिए, तो आप देखेंगे कि दिवाली जो है वो स्वाभाविक रूप से आपकी अच्छी मनेगी ही मनेगी। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि घर से नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार किया जाए। घर में पॉजिटिविटी कैसे आएगी वो तो आपको अलंकृता जी ने बता दिया, पर जाते जाते आप इस दिवाली में किन किन चीज़ों से बचें वो भी अलंकृता जी से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं नकारात्मक ऊर्जाएं किस तरह से हम पे प्रभाव डाल रही हैं। एनवायरनमेंट आज कितना बड़ा एक हैज़र्ड बन गया है, तो आतिशबाजी और ये सब जो है बहुत ही न्यूट्रल ढंग से करें, अगर करते भी हैं आप, ना ही करें तो सबसे बेहतर है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिवाली पे लोग कर बैठते हैं, जैसे टू मच ऑफ एल्कोहल या जुआ या नकारात्मक ऊर्जाओं को ये चीज़ें इनवाइट ही करती हैं। उसके बजाय आप सकारात्मक चीज़ें करिए, अपनी हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपनी डाइट पे खास ख्याल दीजिए, एक्सरसाइज प्लांटर्स लेकर आइए अपने घर में। इस दिवाली को गो ग्रीन, इस दिवाली जो है अपना अपनी सेहत का, अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच और जो है अननेसेसरली कि हम कई बार एक्सपेंसेस कर बैठते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि शो इन दिस टाइम इंस्टेड ऑफ शो ऑफ। और दिवाली त्यौहार का ही मतलब ये है कि जब छुट्टियां हों तो आप अपना ख्याल रख पाएं, रिलैक्स कर पाएं और अपनी सेहत में इजाफा कर पाएं। जी बिल्कुल अलंकृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी अपने सभी दर्शकों को अपने पूरे दिल से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छे से आप दिवाली पे अपने मन में उजाला करिए, अपने अंतर मन में जो है वो खुशी लेकर आइए, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, अपनों की सेहत का खास ख्याल रखिए। मेरी तरफ से R9 के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इस बार की दिवाली को खास बनाए, कैसे खास बनाना है वो आपको हमने इस कार्यक्रम के दौरान बताया, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए और जो भी छोटी बड़ी कमी है उसको कैसे दूर करना है वो तो हमने बता दिया। उम्मीद यही है कि आपकी भी दिवाली शुभ लाभ वाली हो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली।